नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के कोर्ट में 1500 पदों पर होगी बहाली। राज्य के अलग अलग जिलों में उगते सूर्य को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ्य। बिहार के 60 प्रशिक्षण संस्थानों को बनाया जा रहा सेंटर ऑफ एक्सलेंस। बिजली और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने किया जोरदार हंगामा। आईपीएल से पहले धोनी का दिखा दिल जीतने वाला अंदाज। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रामनवमी पर बिना लाइसेंस नहीं निकलेगा जुलूस। बिहार की राजधानी पटना में रामनवमी और दुर्गा पूजा को लेकर लोगों के द्वारा भव्य तैयारी की जा रही है। बता दें कि इन त्योहारों को लेकर यहां की सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मालूम हो कि इस दौरान सुरक्षा के तहत बिहार की राजधानी में 351 स्थानों पर 587 मजिस्ट्रेट व 1500 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक तरफ जहां दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन को लेकर नदियों के घाटों पर अवैध नावों के परिचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर रामनवमी के मौके पर बिना लाइसेंस के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। इसके साथ ही इस बार प्रशासन की विशेष नजर सोशल मीडिया के माध्यम से संदेहास्पद सूचनाओं के आदान प्रदान पर भी रहेगी। राज्य के अलग अलग जिलों में उगते सूर्य को छठ व्रतियों ने दिया अर्घ्य। आज महापर्व छठ पूजा का आखिरी दिन था। ऐसे में छठ व्रतियों के द्वारा पूरी श्रद्धा से उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। सुबह अर्घ्य देने के बाद ही छठ महापर्व के व्रत का समापन हो गया और इसी के साथ छठ व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण कर अपना 36 घंटे का उपवास खत्म किया। बता दें कि आज की सुबह घाटों का नजारा देखने लायक था। चारों ओर छठ का छठा बिखरी हुई थी। राज्य के सभी जिलों के घाटों पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा पड़ा। मालूम हो कि गंगा घाटों के अलावा कई लोगों के द्वारा तालाब या अपने घर की छतों पर भी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। बता दें कि इस दौरान घाटों पर भी प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं छोड़ी गई और लोगों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास से छठ महापर्व को मनाया गया। पटना कॉलेज में लगी भीषण आग। आज सुबह अशोक राजपथ स्थित पटना कॉलेज के वाणिज्य विभाग में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग ने लाइब्रेरी के साथ साथ बीबीए विभाग को भी अपने चपेट में ले लिया। हालांकि जब आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली तो मौके पर पहुंची आधा दर्जन दमकल गाड़ियों के द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। हालांकि अब तक इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग कैसे और कब लगी। मालूम हो कि इस आग ने कॉलेज के किताबें कंप्यूटर समेत कई जरूरी कागजात को अपने चपेट में ले लिया है। बिहार के कोर्ट में 1500 पदों पर होगी बहाली। अगर आप भी कोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बहुत जल्द ही सरकार के द्वारा कोर्ट के कामकाज में तेजी लाने के लिए 1500 से अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर और सिस्टम एनालिस्ट की बहाली की जाने वाली है। मालूम हो कि यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिन किए गए कैबिनेट बैठक में लिया गया है। बता दें कि इन पदों पर बहाली को लेकर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले हाईकोर्ट ने कामकाज में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय से डाटा एंट्री ऑपरेटर और सिस्टम एनालिस्ट बहाली को लेकर अनुशंसा की थी, जिस पर बीते दिन कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा दी गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खाते से उड़े 22 लाख रुपए। बिहार में दिन प्रतिदिन साइबर ठगों का मामला बढ़ते जा रहा है। बता दें कि ताजा मामला 22 लाख रुपए ठगी का है। दरअसल साइबर ठगों के द्वारा घर बैठे ऑनलाइन काम दिलाने का झांसा देकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खाते से 22 लाख रुपए उड़ा लिए गए। बता दें कि राशि दिल्ली और महाराष्ट्र के बैंक खातों में स्थानांतरित की गई है। हालांकि इस घटना की शिकायत साइबर क्राइम सेल और गर्दनीबाग थाने में कर दी गई है। फिलहाल इस मामले की छानबीन चल रही है और खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पीड़ित के द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार 25 मार्च को उनके व्हाट्सएप पर ठगों का मैसेज आया था, जिसमें घर बैठे ऑनलाइन वर्क कर अच्छी कमाई की बात लिखी गई थी। जिसके बाद फोन पर ठगों से बात करने के बाद ठगों के द्वारा फैमिली नाम की कंपनी बताई गई और कहा गया कि यूट्यूब पर जितनी देर वीडियो देखेंगे उसके हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। फिर पीड़ित उनके झांसे में आ गए और शुरुआत में 1000 ऑनलाइन दे दिया गया, लेकिन इंजीनियर को अपने साथ हुए धोखे की खबर तब मिली जब उन्हें रुपए निकासी का मैसेज आया। बिहार के 60 प्रशिक्षण संस्थानों को बनाया जा रहा सेंटर ऑफ एक्सलेंस। राज्य सरकार के द्वारा यह लगातार प्रयास किया जा रहा है कि बिहार के छात्रों को उद्योग के क्षेत्र में बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके। बता दें कि इसको लेकर सरकार के द्वारा राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके लिए आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए जाने की कवायद की जा रही है। बता दें कि आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाए जाने की कवायद सरकार के द्वारा टाटा टेक्नोलॉजी से की जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि इसके तहत संस्थानों में 23 नवीन और उन्नत कोर्स शुरू किए जाएंगे।
आरंभ हो कि प्रथम चरण के तहत राज्य के 60 ITI को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जा रहा है, जिनमें 8 नवीन और उन्नत कोर्स शुरू किए जाएंगे। राज्य के रिलीफ फंड को मिला 130 करोड़ की राशि। अलग अलग बोर्ड एवं निगमों के द्वारा आज यानी कि 28 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अने मार्ग स्थित आवास में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए एक बड़ी राशि सौंपी गई है। बता दें कि यह राशि जिन अलग अलग बोर्ड और निगमों के द्वारा सौंपी गई है, उनमें हर मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम, बिहार राज्य पथ विकास निगम समेत कई अन्य नाम शामिल है। बता दें कि इन सभी बोर्डो और निगमों के द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 130.53 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के द्वारा इस सामाजिक पहल की सराहना की गई और सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं दी गई। रामनवमी पर पटना के महावीर मंदिर का इतने बजे खुलेगा पट। बिहार की राजधानी पटना में स्थित प्रसिद्ध महावीर मंदिर में रामनवमी को लेकर पूरी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। बता दें कि रामनवमी के दिन इस मंदिर में लोगों की संख्या प्रतिदिन की तुलना में काफी अधिक होती है। ऐसे में रामनवमी के मौके पर महावीर मंदिर के पट को खोलने का समय निर्धारित कर लिया गया है। बता दें कि निर्धारित किए गए समय के अनुसार महावीर मंदिर का पट रात 2 बजे खुल जाएगा और फिर रात 12 बजे तक खुला रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि पट खोलने से पहले जागरण आरती की जाएगी और फिर उसके बाद ही भक्तों को दर्शन करने अनुमति दी जाएगी। मालूम हो कि सुबह 11:50 से दोपहर 12:20 तक महावीर मंदिर में भगवान राम का जन्मोत्सव होता है। ऐसे में इस अवधि में महावीर मंदिर में ड्रोन से फूलों की वर्षा की जाएगी। बिजली और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने किया जोरदार हंगामा। आज बिहार विधानसभा में राज्य में हुई बिजली बढ़ोतरी और किसानों के मुद्दे पर बीजेपी विधायकों के द्वारा सरकार के खिलाफ सदन के बाहर से लेकर अंदर तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि इस दौरान भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर हाथों में पैम्पलेट लहराते हुए बिजली की बढ़ी हुई दर वापस लेने को लेकर जोरदार नारेबाजी की गई और फिर बाद में यह मुद्दा सदन के अंदर भी गूंजा, जहां बीजेपी विधायकों के द्वारा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि सरकार जनता को परेशान करने और महंगी बिजली के उपभोग के लिए मजबूर कर रही है। मालूम हो कि इस दौरान काफी देर तक बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन जारी रखा गया। हालांकि प्रदर्शन होने के बावजूद भी सत्ता पक्ष की ओर से इन मुद्दों को लेकर किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया। सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी के द्वारा सम्राट चौधरी को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा गया है कि जब राहुल गांधी और उनके समर्थकों के द्वारा मोदी सरनेम के मुद्दे को लेकर पिछड़े समाज के करोड़ों लोगों का अपमान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे द्वारा सम्राट चौधरी को बिहार की कमान सौंप कर पिछड़े समाज के उन करोड़ों लोगों के प्रति आदर और विश्वास को प्रकट किया गया है। इसके साथ उन्होंने सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा 2024 और 2025 दोनों चुनावों में प्रखंड बहुमत प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के अध्यक्ष बनने से भाजपा के पक्ष में पिछड़े समाज के ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टियां हुई लामबंद। बीते दिन यानी कि सोमवार को देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजा जी मार्ग पर कई विपक्षी दलों के नेताओं की मीटिंग हुई, जिसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। वहीं मीटिंग खत्म होने के बाद ललन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा कि आप सिर्फ कांग्रेस और जेडीयू को अलग अलग करके नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां एक है और सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेंगी। अगर इस पर कोई दूसरा बोलता है तो वो गलत है। उन्होंने कहा कि सारी पार्टियां एक होकर लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ेंगी। बीजेपी विधायकों के सवालों में फंसे शिक्षा मंत्री। आज बिहार विधानमंडल बजट सत्र का 19वां बैठक है। ऐसे में आज सदन में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बीजेपी विधायक के सवालों में फंसते नजर आए। दरअसल जब बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव के द्वारा शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि जब सरकार के द्वारा पत्र को काफी पहले लिखा गया था, लेकिन अब तक सरकार के द्वारा कितने विद्यालय में प्रशासन एवं पदाधिकारियों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है, जिस पर शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब देते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार से बजट में पैसा ही नहीं मिल रहा, साहब लोग क्या पैसा दिलवाने के लिए कुछ करे, जिस पर बीजेपी विधायक ने कहा कि सवाल में साफ लिखा है लेकिन जवाब उस दिशा में नहीं मिल रहा है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह सवाल अलग से आएगा तो जवाब दिया जाएगा।
अमित शाह की सासाराम रैली में सीएम नीतीश के वोट पर लगेगा चोट। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल सीएम नीतीश के करीबी औरंगाबाद से पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद चंद्रवंशी अमित शाह की सासाराम रैली के दौरान 2 अप्रैल को बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि उनके इस कदम से सीएम नीतीश के वोट बैंक में वोटों की सेंधमारी के रूप में देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रमोद चंद्रवंशी के द्वारा बीते शुक्रवार को अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेडीयू आरजेडी से मिलकर अपने विचारधारा और सिद्धांत से भटक गई है और एक बार फिर राज्य में जंगल राज की वापसी कर दी गई है। आईपीएल से पहले धोनी का दिखा दिल जीतने वाला अंदाज। 31 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि आईपीएल 2023 का पहला मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाने वाला है। ऐसे में मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक अलग अंदाज देखने को मिला है, जिसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल धोनी चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में फैंस के वेलकम के लिए सीट पेंट करते नजर आ रहे। बता दें कि धोनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। धोनी के फैंस को उनका यह वीडियो खूब पसंद आ रहा है। वहीं फैंस के द्वारा धोनी की जमकर तारीफ भी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि धोनी का यह आईपीएल उनका आखिरी आईपीएल हो सकता है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मिट्टू कुमार राज, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, कन्हैया कुमार, कुमारी संजना, अभिषेक राज, सदिया रहमान, प्रिया उपाध्याय, जितेंद्र ठाकुर, मुट्टू रंगीला, भान प्रकाश मौर्य, नुन्नू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, कविता कुमारी, मुन्ना कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में रामनवमी को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।